राजधानी पटना के फ्लैटों में चोरी करने वाले शातिर चोर विकास की गर्लफ्रेंड को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में गर्लफ्रेंड से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। 56 लाख रुपए के जेवर, एक रिवाल्वर, 10 कारतूस के साथ 2 बाइक भी बरामद किया है। गर्लफ्रेंड के पिता और भाई को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना सिटी नून के चौराहा लोहा के पुल के पास के रहने वाली गर्लफ्रेंड सोनी कुमारी के घर से जेवरात बरामद किए हैं। पिता सुरेश कुमार दास और भाई रोहित चोरी किए गए जेवरात को बेचने का काम किया करता था। पटना में विकास 40 चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। विकास चोरी की वारदात करने के बाद जेवरात को बेचकर गर्लफ्रेंड के साथ ऐश मौज किया करता था। पटना जिला में और शहरी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार गृहभेदन की घटनाएं घट रही थी, जिसमें चोरों के द्वारा जो भी फ्लैट अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में खाली रहते थे उनकी रेकी की जाती थी और उसके बाद उसका ताला काट कर उसे चोरी कर ली जाती थी। इस स्पेशल टीम के नेतृत्व में बुद्धा कॉलोनी थाना प्रभारी के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी करने की कोशिश की जा रही थी। इसी क्रम में अभियुक्त की पहचान हुई, जिसका नाम है विकास कुमार। यह पूर्व में एक आदतन चोर रहा है। इसकी पहचान होने के बाद तुरंत इसके खिलाफ आसूचना संकलन किया जाने लगा, टेक्निकल काम इसके ऊपर किया जाने लगा और फाइनली सर ये गोल्ड एक ही जगह का है या कई जगह का है? जहाँ गोल्ड बरामद हुआ है, चोरी बहुत सारी जगह हुई है। अब इसके बाद सारे गोल्ड ज्वेलरीज की TIP कराई जाएगी माननीय न्यायालय के समक्ष और जिनके द्वारा अपने गोल्ड आभूषण का कागजात प्रस्तुत किया जाएगा और पहचान किया जाएगा, उसी हिसाब से यह गोल्ड ज्वेलरी जो है माननीय न्यायालय के द्वारा रिलीज की जाएगी। जो गाड़ी बरामद हुई है सर, वो गाड़ी किसके नाम से थी? चोरी की जो गाड़ी ब्लू कलर की R15 बरामद हुई है, उसे चोर विकास कुमार नहीं खरीदा है और दूसरी गाड़ी जो है वो चोरी की। मॉडलिंग विकास कुमार, इसमें बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। जो घटना घटी थी उसका मास्टरमाइंड विकास कुमार है। इसमें 2 क्रिमिनल जो है जो चोरी में संलिप्त थे, वो दोनों अभी पकड़ाए नहीं है। पुलिस के द्वारा लगातार उनके खिलाफ छापेमारी की जा रही है। उन्हें भी बराबर का भागीदार हम क्राइम में मानेंगे।